जब भी हम डायबिटीज की बात करते हैं तो हमेशा एक कंफ्यूजन रहता है कि फल खाए या ना खाए। ज्यादातर डॉक्टर्स जो है वो फल खाने से मना करते हैं अगर आपको डायबिटीज है, और वो इसलिए मना करते हैं क्योंकि फलों में अच्छा खासा नेचुरल शुगर होता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या डायबिटीज के मरीज फल खा सकते हैं, अगर खा सकते हैं तो कौन सा फल खा सकते हैं। आज मैं आप लोग को बताऊंगा 8 ऐसे फल जिसका ग्लाइसिमिक इंडेक्स काफी कम है और साथ ही साथ उसका ग्लाइसिमिक लोड भी कम है। तो अगर आपको मालूम नहीं कि ग्लाइसिमिक इंडेक्स या ग्लाइसिमिक लोड किसको कहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। ग्लाइसिमिक इंडेक्स का मतलब होता है कि अगर कोई भी खाने का चीज अगर आप खाते हैं तो उससे कितना जल्दी आपका शुगर लेवल बढ़ता है। तो अगर ग्लाइसिमिक इंडेक्स 55 के नीचे है किसी चीज का तो वो लो होता है। अगर ग्लाइसिमिक इंडेक्स 55 से लेके 70 के बीच में है तो आप कह सकते हैं कि मीडियम ग्लाइसिमिक इंडेक्स है, और अगर 70 के ऊपर है तो आप कह सकते हैं कि हाई ग्लाइसिमिक इंडेक्स है। इसका मतलब है कि ग्लाइसिमिक इंडेक्स जो है वो क्वालिटी पे निर्भर करता है। अब आते हैं ग्लाइसिमिक लोड पे। ग्लाइसिमिक लोड जो होता है वो क्वालिटी और क्वांटिटी पे निर्भर करता है। तो ग्लाइसिमिक लोड कैलकुलेट करने के लिए आपको ग्लाइसिमिक इंडेक्स के बारे में पता होना चाहिए और साथ ही साथ टोटल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट उस पोर्शन साइज में। तो यूजुअली हम पोर्शन साइज जो कैलकुलेट करते हैं वो 100 ग्राम्स के आसपास लेते हैं। तो अगर आपको ग्लाइसिमिक लोड कैलकुलेट करना है तो आपको ग्लाइसिमिक इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट उस पोर्शन साइज में जो यूजुअली हम 100 ग्राम लेते हैं डिवाइडेड बाय 100। तो अभी आप लोग को समझ में आ गया कि ग्लाइसिमिक इंडेक्स किसको कहते हैं, ग्लाइसिमिक लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अभी मैं आप लोग को बताऊंगा 8 ऐसे फलों के नाम जिसका ग्लाइसिमिक इंडेक्स लो है और साथ ही साथ उसका ग्लाइसिमिक लोड भी कम है। तो बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है, मैं एक डायबिटीज कोच हूँ और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। आज मैं बात कर रहा हूँ 8 फलों के बारे में, 8 फल जिसका ग्लाइसिमिक इंडेक्स काफी कम है और साथ ही साथ ग्लाइसिमिक लोड भी कम है। तो जिनको भी डायबिटीज है वो 8 फल आराम से खा सकते हैं। दोस्तों ये लिस्ट पूरा नहीं है क्योंकि बहुत सारे फल है जिसका ग्लाइसिमिक इंडेक्स कम है और उसका ग्लाइसिमिक लोड भी कम हो सकता है, लेकिन अगर मैं सारे फलों का नाम लूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो वीडियो को छोटा रखने के लिए मैं सिर्फ आज इस वीडियो में 8 फलों के बारे में बताऊंगा और ये 8 फल आप आराम से खा सकते हैं अगर आपको डायबिटीज है तो। तो सबसे पहला फल है चेरी। चेरी का ग्लाइसिमिक इंडेक्स 20 के आसपास होता है और उसका ग्लाइसिमिक लोड जो है वो 6 होगा। तो अगर आपको मीठे का क्रेविंग होता है तो आप चेरी खा सकते हैं। चेरी में अच्छा खासा पोटेशियम होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, और जब भी आप पोटेशियम एंटीऑक्सीडेंट्स ये खाएंगे तो आपका इम्यून सिस्टम को वो बूस्ट करेगा। लेकिन चेरी आपको हमेशा नहीं मिलेगा तो इसीलिए आपको ढूंढना पड़ेगा काफी मार्केट में। अगर आपको मिलता है तो आप चेरी खा सकते हैं, अगर आपको चेरी नहीं मिलता है तो आप दूसरा फल भी खा सकते हैं। अगला है नाशपाती। नाशपाती का ग्लाइसिमिक इंडेक्स 38 है और उसका ग्लाइसिमिक लोड 4 है। नाशपाती एक बहुत ही मीठा फल है, उसमें बहुत अच्छा खासा फाइबर होता है, उसमें ज्यादातर पानी होता है। तो आप नाशपाती बिल्कुल खाइए, आप उसको छिलके के साथ भी खा सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे आप उसको खा सकते हैं, आप सलाद में डाल के खा सकते हैं। तो नाशपाती एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिनको भी डायबिटीज है। अगला है सेब। सेब को आप सभी जानते हैं, बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशियस फल है और बचपन से हम एक कहावत सुनते आ रहे कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। बिल्कुल सही बात है। सेब का ग्लाइसिमिक इंडेक्स 38-39 के आसपास है और उसका ग्लाइसिमिक लोड 5 के आसपास है। तो ग्लाइसिमिक लोड बहुत कम है, ग्लाइसिमिक इंडेक्स भी बहुत कम है। सेब में आपको अच्छा खासा फाइबर मिल जाएगा, विटामिन्स मिल जाएगा, मिनरल्स मिल जाएगा। तो अपने डाइट में सेब जरूर शामिल करिए। और सेब का एक खास बात है कि जब भी आप सेब खाते हैं तो आपके शरीर में जो हेल्दी गट बैक्टीरिया है उसको ग्रोथ करने में मदद करता है। हेल्दी बैक्टीरिया आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसीलिए सेब जरूर खाए। अगला है संतरा। संतरे का ग्लाइसिमिक इंडेक्स 40 है, उसका भी ग्लाइसिमिक लोड तकरीबन 5 के आसपास है जितना सेब का था। और हम सब जानते हैं कि संतरा जो है एक साइट्रस फ्रूट है और साइट्रस फ्रूट में विटामिन सी बहुत मिलता है और विटामिन सी आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन सी लेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहेगा। तो अभी पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, विटामिन सी लेना बहुत जरूरी है।
और नेचुरली विटामिन सी लेना बहुत जरूरी है। तो नेचुरली ऑरेंजेस या फिर संतरे में आपको बहुत अच्छा खासा विटामिन सी मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको अच्छा खासा फाइबर मिल जाएगा। तो जिनको भी कॉन्स्टिपेशन का शिकायत है तो वो भी संतरे का सेवन करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन दूर करने में भी आपको मदद करेगा। अगला है प्लम्स। प्लम्स का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स 40 के आसपास है लेकिन उसका ग्लाइसेमिक लोड जो है और कम है, 2 के आसपास है। तो आप देख सकते हैं कि प्लम का ग्लाइसेमिक लोड सेब से भी कम है, संतरे से भी कम है। तो आप अपने डाइट में प्लम को जरूर शामिल करें। आपको ये ध्यान देना है कि आपको ड्राइड प्लम्स नहीं लेना है, ड्राइड प्लम्स का ग्लाइसेमिक लोड काफी ज्यादा हो जाता है तो इसलिए आपको फ्रेश प्लम्स लेना है। लेकिन प्लम्स एक सीजनल फ्रूट है, आपको हर सीजन में नहीं मिलेगा। तो जब भी सीजन आएगा प्लम्स का तो जरूर प्लम्स खाइए। और प्लम डायबिटीज के मरीज के लिए बहुत अच्छा है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, ग्लाइसेमिक लोड कम है, तो आप प्लम्स भी खा सकते हैं अगर आपको डायबिटीज है। अगला फल जो है वो है स्ट्रॉबेरीज। स्ट्रॉबेरीज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 41 है और ग्लाइसेमिक लोड 3 है। तो डायबिटीज के मरीज स्ट्रॉबेरीज जरूर खाए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर आप एक कप स्ट्रॉबेरीज लेते हैं तो उसमें संतरे से भी ज्यादा विटामिन सी मिलता है और विटामिन सी आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। तो स्ट्रॉबेरीज जरूर खाएं। स्ट्रॉबेरीज भी सीजनल फूड है, हर सीजन में आपको नहीं मिलता है तो स्ट्रॉबेरीज को जरूर खाएं। स्ट्रॉबेरीज में विटामिन सी के अलावा आपको अच्छा खासा फाइबर भी मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको एंटीऑक्सीडेंट भी मिल जाएगा। तो स्ट्रॉबेरीज को अपने डाइट में जरूर शामिल करें। और स्ट्रॉबेरीज बहुत तरीके से आप खा सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं, स्मूदी बना के भी खा सकते हैं, बहुत सारे सलाद में, या फिर मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में किसी और के साथ मिला के, जैसे पीनट बटर हो गया उसके साथ मिला के भी आप खा सकते हैं। तो स्ट्रॉबेरी जरूर खाएं, ये एक बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का। अगला है पीचेस। पीचेस भी एक सीजनल फ्रूट है, ये आपको हर सीजन में नहीं मिलेगा, हर जगह नहीं मिलेगा तो आपको ढूंढना पड़ेगा। और पीचेस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 42 है, ग्लाइसेमिक लोड 5 के आसपास है। तो पीचेस भी अपने डाइट में जरूर शामिल करें। पीचेस में आपको तकरीबन 10 तरीके का विटामिन मिल जाएगा जिसमें कि विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन बी, सारे विटामिन शामिल है। तो प्लीज अपने डाइट में पीचेस जरूर शामिल करें तो आप देख सकते हैं कि आपका शुगर लेवल भी नहीं बढ़ेगा। और फाइनली अपने डाइट में अंगूर को जरूर शामिल करें। अंगूर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा ज्यादा है बाकी फलों के मुकाबले, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 53 के आसपास है लेकिन ग्लाइसेमिक लोड बहुत कम है, ग्लाइसेमिक लोड 5 के आसपास है। अंगूर जो है विटामिन B6 का बहुत अच्छा सोर्स है। विटामिन B6 आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है, आपके ब्रेन फंक्शन के लिए जरूरी है, आपके मूड हॉर्मोन्स के लिए जरूरी है। तो अपने डाइट में जरूर अंगूर को शामिल करें और अंगूर से अच्छा खासा आपको फाइबर भी मिल जाएगा तो अंगूर को जरूर शामिल करें। लेकिन अंगूर भी एक सीजनल फ्रूट है तो आपको हर सीजन में नहीं मिलेगा लेकिन जब भी मिलता है तो अंगूर को जरूर खाइए अगर आपको डायबिटीज है, आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों ये था 8 फल अगर आपको डायबिटीज है तो आपके डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए और इससे आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। ये सारे फल अगर आप रेगुलर खाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा, आपको विटामिन्स की डिफिशियंसी नहीं होगी, आपको मिनरल्स की डिफिशियंसी नहीं होगी, आपका मूड अच्छा रहेगा, आपका ब्रेन अच्छा रहेगा, आपका इम्यून सिस्टम काफी स्ट्रांग रहेगा। तो इसलिए ये सारे सीजनल फूड्स जो है आप बिल्कुल शामिल करिए और आपका शुगर लेवल भी नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर शेयर करें सारे लोगों से, क्योंकि जब भी किसी को डायबिटीज होता है वो अपने डाइट से फल को पूरा हटा देते हैं, उनको लगता है कि फल खाने से उनका शुगर लेवल बढ़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे फल है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, ग्लाइसेमिक लोड कम है, तो आप फल बिल्कुल खा सकते हैं और खाना भी चाहिए क्योंकि फलों में बहुत ज्यादा विटामिन्स होता है, मिनरल्स होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होता है जो आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला होगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।